अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब पर बहुत सारे केसेस हैं और इस वक्त मौजूदा दौर में सबसे जो खतरनाक केस है जिसमें इमरान खान साहब को हर मुमकिन सजा दिलवाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन एक वजह से बच गए इमरान खान साहब। इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ मलिक रियाज की वजह से बच गए। यूं कह लीजिए कि इस वक्त मलिक रियाज इमरान खान साहब के लिए मोहसिन साबित हुए हैं और मलिक रियाज पर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ 119 मिलियन पाउंड का जो केस था उसमें वादा माफ गवाह बन जाए। लेकिन मलिक रियाज ने कहा कि मैं उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा, मैं मोहरे के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस वक्त मैं मलिक रियाज के पैरिया टाउन में मौजूद हूँ। इस रोड से मैं आज से कोई 3-4 महीने पहले गुजरा था तो यहाँ पर खंडरात थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं था और आज मैं गुजरा हूं तो ये इतना बड़ा, ये आप देख ले, प्रोजेक्ट खड़ा हो गया है। तो मैंने सोचा कि ये उस शख्स का प्रोजेक्ट है जिसका इमरान खान साहब पर बहुत बड़ा एहसान है, तो जरा इसको विजिट करते हैं। मेरा तो भाई इस पे आके दिल रुक गया है, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको देखूं भी सही, इसकी डिटेल भी लूं ताकि आपको भी कम से कम खबरें तो सुनाता रहता हूँ, कोई और फायदा भी हो जाए, शायद आपको कोई यहाँ से अपार्टमेंट पसंद आ जाए। तो चलिए देखते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी लेते हैं। अच्छा जी, ये वाला प्रोजेक्ट है, इसका नाम है HBS और इसमें 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, बड़े ही खूबसूरत हैं और इसका फ्रंट व्यू स्पेशली जो है वो बहुत खूबसूरत है। इसके बिल्कुल सामने ये ग्रीन बेल्ट है दो रोड्स के दरमियान में और ये पूरा पार्क का और एक लॉन का व्यू दे रहा है और स्पेशली शाम के वक्त अगर आप घर से निकलते हैं तो यहाँ पर बैठ के आप बड़ा इंजॉय भी कर सकते हैं, तो ये आपको एक इजाफी फायदा मिल जाता है। अच्छा जी, ये प्रोजेक्ट बाहर से तो हमने देख लिया है लेकिन अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि यार इसकी कीमत क्या होगी, इसकी जो ये एग्जैक्ट ये जो व्यू है, ये जो लोकेशन है, ये कौन सी है, इसको हम किस तरह से खरीद सकते हैं ताकि शायद मेरा मूड बन जाए। तो मैं कोई प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ढूंढता हूं यहां पर, तो उससे मजीद इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो चलिए, तो जनाब इस वक्त मेरे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अली रजा साहब मौजूद हैं, इस प्रोजेक्ट के डिटेल इनसे लेते हैं। अली भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? सर थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा पसंद आया, तो क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। बताइएगा ये कौन कौन से अपार्टमेंट्स हैं और बुकिंग का प्रोसीजर क्या है और कब तक हमें हैंड ओवर हो सकता है? इरफान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपको हम सिर्फ सियासी व्लॉग में देखते हैं और आपने बड़ा इब्तदाई में बड़ा अच्छा कहा कि मलिक साहब ने जिस तरह उनको सपोर्ट किया और जिसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी, चूंकि हकीकत सब जानते हैं लेकिन कुछ लोग बात कर सकते हैं कुछ बात नहीं कर सकते। खैर, बैरियर टाउन में आज आप तशरीफ लाए तो ये HBS का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम्स हैं, बन चुके हैं, 1 बेडरूम और 2 बेडरूम के इस पूरे प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट हैं। एक फ्लोर पर, यानी आप ये कह लें कि 3 बेडरूम अगर आपको चाहिए होगा तो 2 और 1 को मिलाकर आपको 3 मिल सकता है। अच्छा, जुलाई में हमने एक वीडियो की थी नाजरीन जिसपे इसकी बेसमेंट, सिर्फ बेसमेंट बनी थी, 3 महीनों में ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, आप अपनी वीडियो में देख रहे हैं, आपने भी देखा है। मुझे ये हैरत हुई है कि आप जुलाई जब हम साथ आए थे, मैं अगस्त में आप आए थे, यहाँ से गुजरा था तो सिर्फ ये लगे हुए थे आगे से ना, ये बैरिकेशन थी आगे, कुछ नहीं था, लगे हुए थे, कुछ भी नहीं था। अच्छा इरफान भाई, इसमें 1 बेडरूम है, हमारे पास 2 बेडरूम है, आपने लोकेशन की बात की तो ये सेक्टर डी है, डबल ए ब्लॉक है और बिल्कुल मेरे पीछे सराही चौक है और इस वक्त हम मेन गेट के एंट्रेंस से शायद 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। बिल्कुल सामने अल्फला प्लाजा है, बैरिया का हेड ऑफिस है, तो ये सारी चीजें आप ये देख लें कि हमारे बराबर में फार्मेसीज हैं, सिनेमाज हैं, जो है वो बैंक्स हैं, इस जानेब आप देखेंगे तो ऑफिस बड़े हैं, तो सारा जो कमर्शियल है वो इस टेरिटरी में आबाद है और यहाँ पर पहले से अपार्टमेंट मौजूद है। तो 1 बेडरूम और 2 बेडरूम की, अच्छा जो मेरा बुनियादी सवाल है जो होता है, ये सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बड़ा तेजी के साथ ये प्रोजेक्ट बन रहा है और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बाकी काम चल रहा है। जी, 2 फ्लोर हो चुके हैं अभी इसके, तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा और हैंड ओवर कब तक? मैं बता देता हूँ जी इरफान भाई, अच्छा इसमें ना 3 फ्लोर अभी बाकी है, ठीक है, और 1 बेडरूम की बुकिंग है
6 लाख से, 2 बेडरूम की बुकिंग है 12 लाख से। यानी अगर आपने इसको बुक करवाना है तो आपके पास 6 लाख और 2 बेडरूम के लिए 12 लाख होना चाहिए, यानी 1 बेड के लिए 6 लाख दे के मालिक बन सकते। हाँ जी, आप मालिक बन सकते हैं। और इसके इसके साथ मैं आपको और वजाहत दे दूं, कुल कीमत है 1 बेडरूम की 63 लाख से 67 लाख तक, और 700 वाले की 72 लाख है, तकरीबन 725 स्क्वायर फीट है। 2 बेडरूम की कुल कीमत इस प्राइम लोकेशन पर जहाँ पानी मौजूद है, बिजली, गैस, कमर्शियल, स्कूल, मसाजिद, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सब कुछ इस एरिया में मौजूद है, 1,27,00,000 रुपए में आपको मिलेगा 2 बेडरूम लिविंग एरिया प्रॉपर लिफ्ट के साथ, प्रॉपर एक आबाद बिल्डिंग में। अच्छा इरफान भाई, इसमें आप ये देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को अगले 10 महीनों के अंदर आपके ही प्लेटफॉर्म पे अल्लाह के फजल से हम लोगों को बता रहे होंगे कि आपका ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया है। अगले 10 माह आज से आप काउंट कर लें, अल्लाह के फजल और करम से 10 माह में ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। हम भी यही है, अल्लाह ताला के फजल से आप हमारे व्यूवर्स भी यहाँ है, हम ये डिलीवर करने जा रहे हैं। और इसके साथ इसकी इंस्टॉलमेंट हम आपको 2 साल की दे रहे हैं। अच्छा। यानी ऐसा बहुत कम होता है इरफान भाई कि आप अपने घर में रहें और बाद में किस्तें अदा करें, ऐसा पाकिस्तान में ये नया कल्चर है। और इसमें भी बहुत सारे लोग ऐलानात तो कर देते हैं, लेकिन इंशाल्लाह 3 महीने की पहले की वीडियो हम लगाएंगे, आज की वीडियो लगाएंगे, और इंशाल्लाह आपको हर गुजरते दिन की अपडेट हम दिया करेंगे और आपको आइडिया होगा कि HBS की बढ़ने की रफ्तार क्या है और डिलीवरी कैसी है इंशाल्लाह। अच्छा अली भाई, अगर कोई दोस्त ये अपार्टमेंट खरीदना चाहे तो आपकी इजाजत से मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर इनके साथ शेयर कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, आप स्क्रीन पे लगा, बिल्कुल लगा दें ताकि दोस्तों की रहनुमाई, बिल्कुल लगा दें, बल्कि हमारी टीम के नंबर्स हैं, मेरा भी नंबर है, इंशाल्लाह हम जो बेस्ट कर सके। ये हमारी और इरफान भाई की पहली वीडियो, मुलाकात तो 6-7 साल से है, बिल्कुल हम वादा करते हैं कि जो इस वीडियो में कहा गया हम उसके रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो हमने कहा है, जो आपने कहा है, हम हमारी टीम इसकी रिस्पॉन्सिबल है, मुकम्मल ऑथेंटिसिटी है लाहौर वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए, या पाकिस्तान से बाहर वतन पाकिस्तानियों के लिए। चले अली भाई, आप शुक्रिया इरफान भाई, इंशाल्लाह मैं जिंदाबाद, बस मैं वेट करूंगा आपका। अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी है तो अली भाई के सारे नंबर शेयर कर दिए हैं, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।